नौकरी की जो समय सीमा 8 घंटे तय की गई है उस समय सीमा को बढ़ाकर 12 घंटे किया जाएगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैंने पढ़ा। फिर देश को जो प्राइवेटीकरण की आग में झोंका जा रहा है उस ओर भी आपका ध्यान केंद्रित कर दूं। किसी कर्मचारी के साथ गलत हो, किसी बहन बेटी व्यापारी के साथ गलत हो, किसी किसान के साथ गलत हो, कोई आपकी राह सुन रहा हो तो 1 मिनट का वीडियो ये कहकर के भीम आदमी के लोगों से मुझे मदद चाहिए, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो हो संवैधानिक, तो बिल लिखकर देता हूँ, 1 घंटे से पहले आप तक मदद पहुंचेगी। जब अन्याय अत्याचार कभी पहले बढ़ा तो चंबल के लोगों ने बंदूकों का सहारा लिया, अब नहीं। अब अन्याय अत्याचार जैसे जैसे बढ़ रहा है तो किसी चीज का सहारा लेना है तो उसका नाम है भारतीय संविधान, अब इसका सहारा लीजिए। आज एक लाइन में नमन भारत के उन सभी महापुरुषों को है जिन्होंने भारत की एकता अखंडता की बात की है, जिन्होंने समता न्याय की बात की है, जिन्होंने महिला उत्थान की बात की है, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, नतमस्तक है। मेरा नमन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने भारत के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अधिकार दिए, महिलाओं को अधिकार दिए, चाहे सरकारी विभाग हो, प्राइवेट सेक्टर हो या जीने का कोई भी तरीका हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, इस देश का स्वर्ण हो, कोई भी हो, सबको संवैधानिक अधिकार दिए, सबको जीने की राह दी, उनको भी कोटि कोटि नमन और नतमस्तक करता हूं। और अपने आदर्श, अपने गुरु को भी नमन करता हूं जिन्होंने भारत की उन जातियों को बोलने का अधिकार सिखा दिया, स्वाभिमान सिखा दिया जो हजारों सालों से पीड़ा में रही है। बीमार में जा समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा, यहाँ के दुकानदारों से निवेदन करूंगा, भाई आने जाने वाले लोगों को अव्यवस्था ना हो, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बना लीजिएगा। आज मुरैना आया हूँ, चंबल की सरजमी को भी नमन करता हूँ, ये क्रांति धरा, यहाँ से न जाने कितने क्रांतिकारी लोग पैदा हुए जिन्होंने इस देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इस सरजमी को भी नमन करता हूँ। और यहाँ बैठी मेरी बहनें, मेरी माताएं जो इतनी धूप में चलकर आई है और इस गर्म सड़क पर बैठी हुई है, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये भी वादा करता हूँ कि ये भाई, ये आपका बेटा भीम आर्मी में एक इतना सा कार्यकर्ता, बाबा साहब अम्बेडकर एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपके अधिकारों के लिए सदैव लड़ा है और पूरी टीम के साथ सदैव लड़ता रहे। यहाँ मैं आया था, मुझे बताया गया था कि कुछ अधिकार हमारे मुरैना में हनन किए जा रहे हैं, जैसे कुछ जमीनें जो हमारे नाम है उन पर कुछ भूमाफियों का कब्जा हो गया है, कोर्ट ने भी आदेश कर दिए हैं, लेकिन वो जमीन नहीं दी जा रही है। मैं बताऊं आपको, ये मुरैना का मामला नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, वो चाहे उड़ीसा हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो झारखंड बिहार हो, वो मध्य प्रदेश राजस्थान हो, भूमाफियाओं ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा, ये है। वो जानकारी मिली कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने पर विवाद हुआ था, और उस विवाद के बाद क्योंकि उस गांव में समझदार लोग रहते हैं, उन सभी लोगों ने आपस में बैठ कर ये कह दिया था कि भाई नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, इस विवाद को हम यही खत्म करते हैं। सवाल मेरा ये है कि आपका ध्यान केंद्रित मैं करूं, क्योंकि मैं प्रशासन की गलती नहीं दिखाऊंगा, प्रशासन को काम करना पड़ता है, सरकार शासन सत्ता के दबाव में, लेकिन फिर भी मैं माननीय डीएम महोदय, माननीय एसएसपी महोदय को अवगत करा दूं कि आर्टिकल 19 के अंदर भारत के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप कार्यक्रम यहाँ नहीं, हम आपका कार्यक्रम दूसरी जगह स्थापित करें, लेकिन आप आर्टिकल 19 का हनन किसी भी कीमत पर भारत के किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज आया हूँ मुरैना,
जब कभी मध्य प्रदेश आऊंगा तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पता पहुंचेगा कि बीमार भी बाबा साहब अम्बेडकर के लोग आए थे और संविधान की बात कर रहे थे। उन्होंने संविधान में आर्टिकल 19 का जिक्र किया और कहा कि वो आर्टिकल 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, अपने बात रखने की आजादी देता है। इस कारण से कोई भी व्यक्ति अपनी संवैधानिक बात कहीं पर भी रख सकता है शासन प्रशासन को सूचना देकर। तो मेरे कहने का मकसद आप समझ गए। अब मैं अपनी बात आपके बीच में रखूं, सीधी सीधी सी बता दूं कि सच लोग हैं, सच्चाई जानते हैं, भारत की स्थिति क्या है ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं। भारत की व्यवस्था को लगातार बेचा जा रहा है, यहाँ का ज्ञापन कहा, भारत की व्यवस्था को लगातार बेचा जा रहा है। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी थी, सरकारी कर्मचारी के लोग मेरी बात को सुने, न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने पढ़ी थी। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा हुआ था कि अब नौकरी की जो समय सीमा 8 घंटे तय की गई है उस समय सीमा को बढ़ाकर 12 घंटे किया जाएगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने पढ़ा तो दुख हुआ कि 8 घंटे काम करने वाले लोगों को 12 घंटे उसी बसों में काम करना पड़ेगा। फिर देश को जो प्राइवेटीकरण की आग में झोंका जा रहा है उस ओर भी आपका ध्यान केंद्रित कर दूं। एक प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश के, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलियानों से होकर गुजरता, भारत की उन्नति का रास्ता किसी जाति धर्म के विशेष वर्ग के व्यक्ति का रास्ता नहीं, भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलियानों से होकर गुजरता है। आज मौजूदा समय में कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी आता हूँ अपने साथियों को बता रहा था कि गेहूं की फसल बहुत मेहनत से होती है, जब गेहूं में पानी दिया जाता है ना तो भरी सर्दी के अंदर एक किसान खेत में खड़ा होकर पानी देता है, और जब गेहूं की फसल कटती है तो भरी दोपहरी में जब हम खड़े नहीं हो सकते उस समय किसान गर्मी में बैठ कर अपने गेहूँ काटता है, तब जाकर के उसको फसल का बहुत छोटा सा मुआवजा मिलता है। ये मैं याद इसलिए करा रहा हूँ कि क्रांति ही सही, ये संवैधानिक क्रांति मध्य प्रदेश से उठ जाए, कम से कम पूरे देश के अंदर इस देश को बचाने की जो व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं वो एकजुट हो जाए, जिससे कि भारत देश को पूरा गुलाम होने से बचाया जा सके। आज देश को लगातार प्राइवेटीकरण की साथ में झोंका जा रहा है, जहाँ देश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के पास, प्रत्येक गरीब के पास कहीं ना कहीं रहने खाने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा होना जरूरी था। आज वो जमीन का अधिग्रहण कर भूमाफियाओं की पेट कर चुका। आप भी अगर मध्य प्रदेश में नजर डालेंगे ना जाने कितने हजार एकड़ जमीन भूमाफियाओं को भेंट कर चुकी। ये गांव का मामला नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। इसमें हम तो जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, उनको कहने आए थे कि कम से कम जो कोर्ट के आदेश हुए हैं उन आदेशों का पालन करते हुए जो लोग गरीबों के अधिकार छीन रहे हैं उनको जेल भेजने का काम करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब अधिकारों की बात करते हैं तो पता लगता है कि हम ही लोगों को जेल जाना पड़ जाता है। तो कुछ समस्याएं जो पिछले 70 सालों से चली आ रही है, ग्राम मांगरोल तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना में विगत 70 वर्षों से दलित परिवार निवासरत है, जिनके लिए शादी समारोह हेतु कोई ग्राम पंचायत में ऐसी जगह नहीं है, इसलिए भूमि सर्वेक्षण क्रमांक 1015 पर निवासरत लोगों द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर पार्क निर्माण किया गया, लेकिन उसमें शासन द्वारा उसी जगह पर प्रतिमा रहते हुए पार्क निर्माण किया गया। ग्राम पंचायत मंगरोल में शासन द्वारा दिए गए 20 दलित परिवारों के भूमि पट्टे जिन पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा, उन्हें उनसे छुड़वाकर विधिवत सीमांकन कर कब्जा दिलवाया जाए। ये तमाम चीजें ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रही। मेरा निवेदन है प्रत्येक उस वर्ग के व्यक्ति से जो संविधान को मानता, प्रत्येक उस साथी से जो भारत की आस्था में विश्वास रखता, प्रत्येक उस व्यक्ति से जो चाहता है कि भारत के सभी लोग गैर बराबरी का जीवन ना जी करके बराबरी का जीवन जिए, जो ये समझता है कि भारत में गरीब अमीर की एक व्यवस्था, अपने दिल पर हाथ धरकर सोचिएगा क्या ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस लड़ाई को मजबूत कीजिए, संवैधानिक लड़ाई को मजबूत कीजिए, जिससे आने वाली नस्लें, भारत की जो पैदा होने वाली नस्लें हैं
वो ये ना कह सके कि जब ये देश पुनः गुलामी की ओर जा रहा था तो तुम लोग सो रहे थे। इसका सर्वे भी दिखाऊंगा करकर, या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अपने फोन को निकालिएगा और देखिएगा फोन किस कंपनी का, कौन से देश का मैन्युफैक्चर हुआ हुआ है। अपने घर जाइएगा, एलईडी लाइट बल्ब और जितनी भौतिक सुविधाएं जो यूज होती है उनको पूछिएगा, उनको गूगल पर सर्च मारिएगा, देखेगा किस देश की व्यवस्था से आई हुई है, इनका मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, तो आपको पता लगेगा कि अधिकतर चीजें हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की देन वहां से आई हुई है। तो ये बताइए, जब हमारे घर में सुई से लेकर सब चीजें चाइना की यूज हो रही है तो कब्जा किसका हो रहा है? धीरे धीरे किसका कब्जा हो रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस ओर ध्यान केंद्रित सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज भारत के अंदर धार्मिक राजनीति के नाम पर, जातीय राजनीति के नाम पर उन्माद फैला हुआ। इस बीच एक कड़ी और जोड़ दूं कि धर्म की आजादी भारत में सभी को है, ये मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म को मानने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ मौलिक अधिकार नहीं रोक सकता। तो कोई व्यक्ति हमें नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा कि हम किस धर्म को मानेंगे। हम जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं हमारे पूर्वज किस धर्म को मानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इस आधार पर भारत की राजनीति को स्थापित किया जाए। जागिए, उठिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। गरीब अमीर की बात नहीं है, इसको पढ़ लीजिए, इसको अधिकारों का पता लग जाएगा, भारत की उन्नति का रास्ता खुल जाएगा, भारत में जाति धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे कार्यक्रम जो यहाँ पर मुरैना में था, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस कार्यक्रम को रात कैंसिल कराने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया, मुझे सब पता है। मैं कह दूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, साहब ये कार्यक्रम करने की आज़ादी आपने हमें नहीं दी, या आपके जो आकार नेता बैठे हैं उन्होंने नहीं दी ये आज़ादी कार्यक्रम करने की, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। और आज भारत में सामंती व्यवस्था स्थापित नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है और इस लोकतंत्र के आधार पर ही हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति ये मानता है कि मानवतावाद सबसे ऊपर है, मनुष्य मनुष्य एक समान है, वो आए हमारे कंधों को मजबूत करे। जो व्यक्ति ये चाहता है, जो व्यक्ति ये मानता है कि नहीं वो गैर बराबरी, वो ऊंच नीच जो सदियों से भारत में रही है, जिसके कारण भारत न जाने कितने बार सोने की चिड़िया बनता बनता रुका है, उस गैर बराबरी को स्थापित किया जाए, तो वो हमसे सावधान रहे, बिल्कुल सावधान रहे। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, बिल्कुल लोग, हम वो लोग हैं जो शोषित वर्ग को शासक बनाने की इच्छा रखते हैं। हम वो लोग हैं जो हर बेटी को सम्मान की निगाह से देखना पसंद करते हैं। हम वो लोग हैं जो प्रत्येक पीड़ित के साथ खड़े होना चाहते हैं। पूरे भारत में कोई हमें कुछ भी कहता हो, लेकिन जब जाइएगा, जब किसी बेटी के साथ गलत होता है, उससे पूछिएगा कि क्या भीम आर्मी के लोगों ने मदद की, अगर हम पर सूचना आती है तो उस बेटी की मदद हम ऐसे करते हैं जैसे अपनी शरीर में करते हैं। कहीं भी न्याय होता हो हम जाते हैं, मदद करते हैं। हाँ, इस मदद करने में कई बार हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। जो प्रशासन को चाहता है न्याय मिले, लेकिन सरकार नहीं चाहती न्याय मिले, वो सरकार हमें जेल भेजने का भी काम करती है, उसके लिए हम तैयार हैं। आज यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मुरैना में खड़ा हूँ, यहाँ सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, व्यापारी वर्ग से लेकर सब लोग सुन रहे हैं। आपसे भी वादा करता हूँ, कभी आपके साथ गलत हो, किसी कर्मचारी के साथ गलत हो, किसी बहन बेटी व्यापारी के साथ गलत हो, किसी किसान के साथ गलत हो, कोई आपकी राह सुन रहा हो, तो एक मिनट का वीडियो ये कहकर के भीम आर्मी के लोगों से मुझे मदद चाहिए, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो हो संवैधानिक, तो मैं लिख कर देता हूँ, एक घंटे से पहले आप तक मदद पहुंचेगी, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। ये ऐसे लोग हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी खुद एडवोकेट है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हमारी पूरी टीम कोई बीएड किए हुए है, कोई बीटीसी किए हुए है, कोई बीटेक किए हुए है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारा
एजुकेटेड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है। तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हमें व्यवस्था को स्थापित कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने हमारा गलत प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल किया। मैं कहना चाहता हूँ गरीबों से, मैं कहना चाहता हूँ किसानों से, मैं कहना चाहता हूँ छोटे व्यापारियों से, सबसे कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ दलितों से, आदिवासियों से, मैं कहना चाहता हूँ पिछड़ों से, मुसलमानों से, मैं कहना चाहता हूँ बहुत पारसी हिंदुओं से, मैं कहना चाहता हूँ उस बहुजन समाज के लोगों से जिसका हमेशा शोषण बड़े पैमाने पर हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में मत का अधिकार दे करके गए हैं, वोट का अधिकार दे करके गए, और क्या करके गए हैं। जब अन्याय अत्याचार बढ़े और आपको लगे कि नहीं अब गलत हो रहा है, तभी अपने वोट का प्रयोग कर कर लड़ने वाले लोगों को इस शासन की कुर्सी पर बिठा दी। जो आपकी जमीन से रूबरू हो, जो आपकी जिनको आपकी भूख का अंदाजा हो, जिनको आपके क्षेत्र का अंदाजा हो, उनको बिठा दीजिए और इस देश की व्यवस्था बदल दीजिए। आज वही व्यवस्था आ गई, बिल्कुल आ गई है। आज वो व्यवस्था पुनः स्थापित की जा रही है। मैं कहते हुए निसंकोच कहूंगा कि जो कुछ लोगों को मेरी बात पूरी लगेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी जिसको महापुरुष मानती है, सावरकर इतिहास उठाकर देखिएगा, जब भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग फांसी चढ़ रहे थे, उस समय सावरकर ने लिखित में अंग्रेजों से माफी मांग ली। वो लोग आज देशभक्ति का ठीक रिपोर्ट नहीं, देश की व्यवस्था को बदलना है, हर गरीब की व्यवस्था को बदलना है, सारी व्यवस्था को बदलना है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए भीम आर्मी के लोगों का साथ दीजिए, अच्छे लोगों को सुनिए, विधानसभा संसद भेजिए और अपनी लड़ाई को मजबूत करने का काम कीजिए। मेरा निवेदन है, क्योंकि मुझे जानकारी है कि डीएम महोदय यहाँ नहीं आए होंगे, तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि डीएम महोदय पर प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव है, मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ, तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार भेजा। अच्छा, अभी साथियों ने बताया कि तहसीलदार साहब को यहाँ भेजा गया, तो हमारा क्या पर मान्य तहसीलदार साहब संवैधानिक दायरे में ले लीजिए और हमें आज्ञा दे दीजिए, और ये बता दीजिए कि इस पर कार्रवाई कब तक करेगी, जब तक उनकी मर्जी हो, जब तक, क्योंकि हमारा काम है, इस बार हम आए हैं ये बताने के लिए भाई कि ये हमारे अधिकार हैं। अगली बार जब आएंगे तो मुख्यमंत्री के घर के बाहर आकर बैठेंगे और मुख्यमंत्री साहब से कहेंगे कि ये हमारे अधिकार हैं, ये हमें चाहिए। बस संभलवासियों से एक निवेदन है, जब अन्याय अत्याचार कभी पहले बढ़ा तो चंबल के लोगों ने बंदूकों का सहारा लिया, अब नहीं। अब अन्याय अत्याचार जैसे जैसे बढ़ रहा है तो किसी चीज का सहारा लेना है तो उसका नाम है भारतीय संविधान। अब इसका सहारा लीजिए, इसका सहारा लीजिए और अन्याय अत्याचारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र संसाधन है इस देश के गरीबों को, वंचित और शोषित को ऊपर की ओर उठाने का। तो अब चंबल के लोग इसका सहारा लेंगे और हम बताएंगे।